रुचि, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि अगर मेरे जैसा नॉर्मल इंसान, यानी जिसको चश्मा नहीं लगा है, अगर मेरे जैसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, अगर त्राटक करे, तो क्या हम अपनी आंखों को बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं? अवश्य हाँ, त्राटक करता को आंखों की बीमारियां नहीं लगती है, मगर ऐसा ना कहा जाए कि जिनको बीमारी है या आंखों में कोई खराबी है उनको नहीं लगेगी। तो ये एक त्राटक में मैं त्राटक करने वालों को, अभ्यासियों को या जो शुरू कर रहे, राय दूंगा कि जब वो त्राटक करने वाले हों तो सबसे पहले ये जान लें कि उनकी आंखों में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। अगर है तो डॉक्टर से राय ले लें, ठीक करवा लें, तब त्राटक का अभ्यास करें। लेकिन जिनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और वो त्राटक कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से एकदम से आशावान रहें कि आंखों की बीमारियां नहीं लगेंगी। जो मैंने अभ्यास में पाया, मैंने तो ऐसे ही पाया कि भाई आंखों की बीमारियां त्राटक करने से नहीं लगती हैं। हाँ, ये बता दूं कि अभ्यासी लोग ये ना सोचें कि सूर्य त्राटक करूँ तभी बीमारियाँ नहीं लगेंगी। नहीं, बिंदु त्राटक ही काफ़ी होता है, आधे घंटे तक ले जाएँ इतना ही पर्याप्त है। सूर्य त्राटक करने के लिए कि बीमारियां ना लगें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है जी, बीमारियां नहीं लगती हैं। गुरु जी, अभी आपने हम सबको त्राटक के विषय में बहुत सारी बातें बताई, बिंदु के आकार से लेकर रंगों का अर्थ और त्राटक हमें क्यों करना चाहिए, इस विषय में भी बहुत कुछ बताया। पर एक ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया है और मैं जानती हूँ कि आपसे भी बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया होगा कि विद्यार्थियों को त्राटक क्यों करना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है कि विद्यार्थियों को त्राटक क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, त्राटक में एक विशेष गुण होता है, जब बिंदु पर त्राटक करते हैं तो उससे जो मस्तिष्क है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है, और इतना विकास होता है कि जो हम किताब पढ़ते हैं या किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करते हैं, यानी किताब के द्वारा सुना हुआ ज्ञान या अन्य किसी दृश्य के द्वारा देख करके जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, अंदर जो हमारे यानी मस्तिष्क का विकास होता है उस ज्ञान के द्वारा, उससे कई गुना ज़्यादा त्राटक के द्वारा। उसका कारण ये होता है, और यानी हमारा कहने का मतलब, अगर मस्तिष्क के विकास को ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, अधिक विकास करना है, और स्मृति शक्ति है, जो स्मरण शक्ति है, उसका बढ़ाना है, तो अवश्य त्राटक करें। उसका तरीका ये है, जब बिंदु पर जो वृत्तियों को एकाग्र करते हैं तब उसका प्रभाव देखने में तो ये ऐसा लगता है कि हम बिंदु को देख रहे हैं, तो मन की एकाग्रता की वजह से कुछ समय के लिए मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उस समय बिंदु को ही देखा जा रहा होता है। तो जो हमारे मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। जितनी देर तक मन केंद्रित रहेगा, एक जगह ठहरा रहेगा, यानी सिर्फ एक ही पदार्थ को देखेगा, अर्थात जो उसकी इधर उधर किरणें इधर उधर जो भाग रही हैं और जो चलायमान हो रहे, जो उसकी चंचलता है वो स्थिरता में बदल जाएगी, तो आंतरिक रूप से जो सूक्ष्म शरीर में, यानी स्थूल तो ये एक यंत्र मात्र है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में विकास होने लगता है। सही बात ये, विकास का मतलब ये है, जो मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं सुषुप्त अवस्था में होती हैं वो जागृत होने लगती हैं, बस उनका यही, यानी क्रियाशील होने लगती है। तो कभी कभी साधक को ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे माथे पर, यानी यहाँ पर भ्रक्ति में गुदगुदी हो रही है, या ज़्यादातर कभी कभी सिर में गुदगुदी हो रही है, या कभी कभी हलचल भी समझ में आने लगती है। होती क्या, सूक्ष्म कोशिकाओं में हलचल होती है, तो सूक्ष्म कोशिका स्थूल कोशिका, यानी जो हमारा स्थूल मस्तिष्क है उसमें व्याप्त होती है, तो वो हलचल या जब वो शुद्ध होती है या खुलती है कोशिका, तो स्थूल कोशिका उतनी क्रियाशील हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब, विद्यार्थियों का काम है पढ़ाई करना, याद करना, नए नए चीज़ों को शोध करना, अगर शोध का विद्यार्थी है, या अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं,
तो कहने का कि अगर उसका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होगा और स्मरण शक्ति ज़्यादा तेज होगी तो उसे लाभ होगा। जो चीज़ वो किताब के द्वारा, शोध के द्वारा या अन्य किसी को कार्य करके, इंजीनियर्स वगैरह हैं जो, तो उनको कार्य करके जो यानी मस्तिष्क का विकास करते हैं उससे कहीं ज़्यादा त्राटक के द्वारा विकास होता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा विद्यार्थी जो बिल्कुल छोटे हैं उन्हें भी बिंदु का नहीं ज़्यादा तो 3-4-5 मिनट करें। जैसे कक्षा 5 के 6 के विद्यार्थी हैं उन्हें भी थोड़ी देर तक इस तरह करें। एक, उनकी आँखों में चश्मा नहीं लगेगा, आँखें तेजस्वी होंगी, आँखें बुझी बुझी नहीं लगेंगी, मलिन नहीं होंगी, रोग नहीं लगेगा, मस्तिष्क का विकास होगा। और रही बात सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, जो मस्तिष्क से संबंधित जो भी व्यक्ति कार्य करते हो उन्हें त्राटक अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि विद्यार्थियों को त्राटक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उनका जो मस्तिष्क का विकास होता है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और यही एक ऐसी क्रिया है कि हम अपने मस्तिष्क को विकास को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, विकास यानी बढ़ा सकते हैं। तो इससे यही होगा कि हम का मतलब विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा तो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा त्राटक करना चाहिए। इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन लोगों का जो ये वीडियो देखते हैं और वो आपसे ढेर सारे प्रश्न भी करते हैं। इसी के साथ गुरुजी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.